सदा किसी का बुरा नहीं करेगा। आज के दिन भगवान श्री परशुराम जी की जयंती मनाते हुए नौजवानों को यज्ञोपवीत धारण करवाया जा रहा है। एक बात इसमें यह है कि जब जब समाज में बिखराव आया, भगवान श्री परशुराम जी का उदाहरण है, आदि शंकराचार्य का उदाहरण है, इन्होंने सारे समाज को एक लड़ी में परोया और यज्ञ सूत्र जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं वो धारण करवाया। ये मात्र ब्राह्मणों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। एक समाज हमारा ये समाज पूरी एक लड़ी में आ जाए और समाज में डिसिप्लिन पैदा हो, इस कुरीतियाँ जाएँ, इसके लिए यज्ञ संस्कार होना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? आज जैसे देख रहे हैं घर घर नशा चल रहा है, गली गली मोहल्ले में सारे माता पिता सब दुखी हैं। ऐसा समय कभी आदि शंकराचार्य के समय भी आया था और भगवान श्री परशुराम जी के समय भी आया था। उन्होंने घर घर घूम करके नंगे पाँव पूरे भारत का चक भ्रमण करके लोगों को यज्ञोपवीत धारण करवाया और ये उपदेश दिया कि एक हो जाओ, इस संस्कृति को बचाओ, नशा छोड़ दो, अच्छे काम करो, पढ़ो लिखो, तब जाकर समाज सुधरा। अब फिर जरूर उसी बात की आ गई है।